इस प्रगति एलपीजी हीटिंग टॉर्च के ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है और एक कुछ ही दिन पहले बनाया था, जिस वीडियो में इस टॉर्च की मदद से कॉपर टू कॉपर वेल्ड करके बताया था, यानी कि दोनों को सोल्डरिंग करके बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एलपीजी टॉर्च की मदद से 30 से 40 ग्राम जो कॉपर है, उसके बॉल्स हैं, उसको मेल्ट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस कॉपर को जल्दी मेल्ट करने के लिए हम ऊपर से एक क्रूसिबल का कैप की तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम ना हो सके, उसका टेम्परेचर बाहर ना आ सके। इसके लिए हम कुछ इस प्रकार इस क्रूसिबल की मदद से ऊपर ढक देंगे। तकरीबन 4.5 मिनट तक कंटिन्यू हीटिंग देने के बाद भी हम इस कॉपर के बॉल्स को मेल्ट नहीं कर पाए हैं, ओनली इसका कलर रेड हो पा रहा है लेकिन इसको मेल्ट नहीं कर पाए हैं। तो इसके बारे में और मैं जानकारी इकट्ठा करके आपके लिए नए वीडियो बनाऊंगा इसी चैनल पर। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।